या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। आज नवरात्रि का प्रथम दिन है। आप सभी के जीवन में खूब सारी खुशियां आए। माता रानी बहुत आपकी मनोकामना पूर्ण करें, यही प्रार्थना करते हैं। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है। आज माता रानी हर घर में विराजमान होकर भक्त के खुशियों के भंडार भरेंगे। आप सभी भी आज जो है कथा पूर्ण रूप से सुनिएगा। कमेंट्स में जय माता दी या हर हर महादेव लिखना न भूले। आरम्भ करते हैं। जैसे की नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है और घट स्थापना के बाद माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। आज प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि की शुरुआत है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और माँ के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा देवी के मंडपों में सबसे पहले होती है। शैल का अर्थ है हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इनका शैलपुत्री नाम पड़ा। पार्वती जी के इन स्वरूपों में सबसे सुंदर स्वरूप इन्हें जाना जाता है। इनको भगवान शिव की पत्नी के रूप में भी विशेष पूजा की जाती है। साथ ही शैलपुत्री माता अपने आप में बहुत शांत और सरल स्वभाव मानी जाती है। माता के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में जो है कमल शोभा देता है। माँ अपने नंदी नामक बैल पर सवार होकर संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। इसलिए माता शैलपुत्री को विशेष जो है उमा के नाम से भी जाना जाता है। यह वृषभ वाहन शिवा का ही स्वरूप है और शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी है। माता शैलपुत्री ने घोर तप कर ही भगवान शिव को प्राप्त किया था। शैलपुत्री के अधीन समस्त भक्तगण हैं जो संध्या तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण में जाते हैं। माँ अपने भक्तों की हमेशा मनोकामना पूर्ण करती है और साधक का मूलाधार चक्र जागृत करने में सहायक होती हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर चौकी में गंगा जल इत्यादि से छिड़काव कर माँ दुर्गा की प्रतिमा या फोटो को विराजमान करें। पूरे परिवार के साथ विधि विधान के साथ कलश स्थापना की करें। साथ ही घट स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री का ध्यान कर व्रत का संकल्प लें। माता शैलपुत्री की पूजा बहुत सुंदर स्वरूप में करें। इनकी पूजा में सभी नदियां, तीर्थ और दिशाओं का आवाहन किया जाता है। इसके बाद माता को कुमकुम और अक्षत लगाए जाते हैं। इसके बाद सफेद, पीले या लाल फूल माता को समर्पित किए जाते हैं। माता के सामने धूप दीप जलाएं और 5 देसी घी के दीपक भी जलाएं। इसके बाद माता की आरती उतारें और फिर शैलपुत्री माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इसके बाद परिवार समेत माता रानी के जयकारे लगाएं, भोग लगाकर माँ की पूजा संपन्न करें। शाम के समय भी माता रानी की आरती करें और ध्यान करें। आज नवरात्रि जो है घट स्थापना के बहुत शुभ सहयोग हो रहे हैं। आज माता रानी घोड़े पर सवार होकर जो है पूर्ण नवरात्रि अर्थात एक भी नवरात्रि खंडित नहीं है। माँ घोड़े पर सवार होकर आती हैं तो खुशियों के भंडार भरती हैं। आज पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:11 से 7:51 तक रहेगा। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना की जा सकती है। 11:48 से 12:36 में अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इस बार नवरात्र बहुत दुर्लभ ब्रह्म योग और साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ हो रहा है। बहुत शुभ है और बहुत श्रेष्ठ जो है इसके सूचक माने जाते हैं। माता रानी अपने आप में अद्भुत हैं और जीवन में सब कार्य सुख प्रदान करने में सहायक होती हैं। माता शैलपुत्री की कथा इस तरह से है। आरंभ करते हैं। मेरे साथ आप बोलिए जय माता दी। माता शैलपुत्री से जुड़ी एक कहानी का उल्लेख यहाँ आवश्यक रूप से मिलता है। प्राचीन काल में जब सती के पिता प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने सारे देवी देवताओं को इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन अपने जमाता अर्थात जमाई जी को जो महादेव हैं उन्हें अपनी पुत्री के साथ आमंत्रित नहीं किया। लेकिन सती अपने पिता के यज्ञ में जाने की इच्छा व्यक्त करने लगी। उनकी इस इच्छा को देखकर शंकर जी ने कहा, संभवतः प्रजापति दक्ष हमसे रुष्ट हैं, इसलिए उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया होगा। शंकर जी के इस वचन से सती संतुष्ट नहीं हुई और जाने के लिए जिद करने लगी। उनकी जिद देखकर
भगवान शंकर ने भी उन्हें वहां से जाने की अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता के घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया, बाकी सदस्यों ने उनसे ठीक से जो है बात भी नहीं करी और छींटा कसी करने लगे। दक्ष प्रजापति ने भी शंकर के प्रति कुछ बातें ऐसी कही जो सती महारानी को उचित नहीं लगी। उन्होंने अपने पति का तिरस्कार होते देख जो है वह बहुत अधिक दुखी हुई और अग्नि योग में वह समाहित हो गई और अपने आप को भस्म कर लिया। तब शंकर को सती के भस्म होने का पता चला तो क्रोधित होकर उन्होंने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करवा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ, फिर वह उनकी पत्नी बनी। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण माता को जो है विशेष तौर पर सफेद रंग की चीजें बहुत प्रिय होती है। माता को सफेद फूल और सफेद वस्त्र ही समर्पित करें, इसके साथ ही माता को सफेद मिष्ठान का भोग लगाएं। माता शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है और घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती। माता के इस स्वरूप को जीवन में स्थिरता, दृढ़ता और सुंदर जो है मनोकामना पूर्ति के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। शैल का अर्थ होता है पत्थर और पत्थर सदैव अडिग माना जाता है। माता रानी अपने आप में अद्भुत है और जीवन के सब सुख प्राप्त करने में सहायक है। माता रानी शैलपुत्री को आप सभी ओम शैलपुत्री देवी नमो नमः इस मंत्र के साथ मां की पूजा करें, या इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। माता रानी अपने आप में सभी का कल्याण करने में सहायक है। माँ का वाहन बैल रूप में माना जाता है, तो आप सभी को विशेष तौर पर माता रानी का पूजन अर्चन करना चाहिए। प्यारे भक्तजनों, आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। आपने कथा, भोग, मंत्र इत्यादि श्रवण किया, आपका आभार और धन्यवाद। माता रानी आपके जीवन में खुशियों के भंडार भरे, यही प्रार्थना करते हैं। जितना संभव हो इस नवरात्रि के दिनों में मां की पूजन अर्चन सेवा भावना में अपना समय व्यतीत करें। चैनल पर निरंतर स्वरूप में सभी तरह के शुभ मुहूर्त, व्रत, कथा इत्यादि का वर्णन टाइम टाइम पर हम बताते रहते हैं, जो कि पूर्ण रूप से पंचांग पर आधारित है। आप सभी जो है से जुड़कर बहुत सारा लाभ प्राप्त करें। आप कुछ विशेष न कर पाने की स्थिति में आज माता रानी को खीर का भोग लगाएं। जैसे कि सफेद मिष्ठान हर जगह उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो आप कम से कम खीर का भोग लगाएं। सफेद पुष्प जो है कहीं से भी आपके लिए व्यवस्था हो पाए माँ के स्वरूप के लिए, तो उसकी व्यवस्था करना आपके लिए बहुत फल देने वाला हो सकता है। माँ के जयकारे, माँ के नाम का दान पुण्य, आज नव संवत्सर है, तो आवश्यक रूप से घर के दरवाजे पर हल्दी का स्वास्तिक और अनवार इत्यादि लगाकर घर की साफ सफाई कर माँ के सुंदर स्वरूप की पूजा करें। जय माता दी।